हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज किरण। मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर पटियाला वालों बोल रही हाँ। साडा इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फोकलपॉइंट विखे है। इसका प्रॉपर एड्रैस 6074 नेड़े टोयटा कार एजेंसी फोकलपॉइंट पटियाला है। साढ़े इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आईलैट्स करवाया जा रहा है। हूँ तुम कहोगे कि आईलैट्स सेंटर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो साढ़े आईलैट्स सेंटर की क्वालिटीज़ हैं। साडा इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो क्वालिटी सन उन्होंने बारे मैं दसना जा रही हाँ। साडा इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर बच्चों हाईएस्ट बैंड लैंड लिए प्रोफर किया जाता है, क्योंकि इकला पढ़ने के बच्चों बैंड नहीं मिलते, उन्होंने अपने माइंड प्रिपेयर करना पैदा है। इतने अं पूरी बच्चों को ट्रेनिंग देते हाँ कि किस ढंग बच्चे हाईएस्ट बैंड लैके वधिया नंबर हासिल कर सकते हैं। बच्चों को यह भी जानकारी दी जाती है कि किस तरह वो विदेशों में पढ़ते हुए वधिया इनकम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा कॉन्फिडेंट चढ़ा जाता है तो उसे जाके अगर बच्चा पार्ट टाइम काम करता है तो अपना खुद का खर्चा बहुत ही सौखे ढंग नाल काट सकता है। विदेशों में जाके परमानेंट रेजिडेंस किवें प्राप्त करना है, वो किहड़ा कोर्स करना है, जो जाके कि यूनिवर्सिटी या कि कॉलेज में पढ़ाई करनी है, ये बारे भी प्रॉपर जानकारी दी जाती है। विदेशों में पढ़ाई करने जो फंड की लोड़ पैंती है वो बारे भी जानकारी दी जाती है। साढ़े कोल आईलैट्स कराने के लिए वधिया एजुकेटेड स्टाफ है, स्टूडेंट्स के लिए वधिया सेफ एयर कंडीशन स्मार्टफोन है, जिसे बच्चों को वधिया नॉलेज दी जाती है, बच्चे वधिया ढंग नाल पढ़ के वधिया बैंड हासिल करते हैं। बच्चों को विदेशों में जाके किवें एडमिशन लेनी है, किस तरह ढंग नाल सेटलमेंट करनी है, ये ए टू जेड ट्रेनिंग नाल दी जाती है। स्टूडेंट्स लिए शॉर्ट टर्म के कोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि अगर बच्चों ने शॉर्ट टर्म के कोर्स किए होंगे तो बच्चे जो स्टडी वीजे के बाहर जाते हैं या उधर कोई होर काम नहीं जाते हैं फॉरन कंट्री, तो उसे बच्चे पार्ट टाइम काम करके अपना खुद का खर्चा कर सकते हैं। बच्चों के टाइम टू टाइम मोक टैसट लाए जाते हैं, मोक टैसट के बच्चों जो भी कमियां उन्होंने बारे पता लगता है, फिर नैक्सट वीक उन्होंने कमियों दूर करके दोबारा फिर मोक टैसट लैके उन्हें कमियों दूर किया जाता है। इस तरह अगर किसी बच्चे ने बस स्टैंड तो आना है तो उन्होंने बस की फैसिलिटी भी है, जो कि बच्चों उसे लैके आती है फिर वापस छड़ के भी आती है। साड़ा इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट वालों मंजूरशुदा है। इस तरह ये जो क्वालिटीज हैं ये साढ़े आईलैट सेंटर होर आईलैट सेंटर नालों वक् कर दिया हैं। हम तुम दसागी कि अगर तुम कनेडा जाना चाहते हो तो कनेडा जाने के कड़े तरीके हैं, बहुत सौखे तरीके कनेडा जाके सैटल हो सकते हैं। सब तो पहला है टूरिस्ट वीजा। अगर तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो और बैंक में तो 6 महीने पुराने 5 से 6 लाख रुपए हैं, तो तुम बहुत ही सौखे ढंग टूरिस्ट वीजा आसानी का प्राप्त कर सकते हो, अपनी फाइल लगा सकते हो। अगर स्टडी वीजा, अगर तुम्हारी उम्र 18 साल तो उपर है, अगर तुम 10वीं 12वीं पास की हुई है, 12वीं 60% से उससे ज़्यादा नंबर हैं, आईलैट्स के 6 या 6.5 बैंड लगे हुए हैं, तो तुम बहुत ही सौखे ढंग स्टडी वीजा लिए अपलाई कर सकते हो, तो कनेडा जा सकते हो। एक्सप्रैस एंट्री, जेकर तुहाडे कोल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है अते जां तुसीं आईटी कीती हुई है, तुहाडे जनरल आईलैट्स विचों 5 बैंड हन, अते तुहाडे कोल 1 साल का तजर्बा है, तो तुसीं एक्सप्रैस एंट्री वीजा की कैटेगरी विच आसानी नाल फाइल लगा सकते हो अते जा सकते हो। ग्रीन हाउस फार्म वर्करस, मीट कटर्स अते पोल्ट्री फार्म वर्करस, अगर तुहाडी 10वीं या 12वीं कीती हुई है, अते तुहाडी उम्र 18 साल तो उपर है, अते तुसीं जनरल आईलैट्स विचों 4 बैंड लए हुए हन, तो तुसीं आसानी नाल कनेडा जा सकते हो। स्पाउस वीजा, अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर कनेडा में जॉब कर रहा है या स्टडी कर रहा है, तो तुम्हारा पति या पत्नी अपने बच्चों के समेत बाहर जा सकता है, तुम्हारी पति या पत्नी ओपन वर्क परमिट मिलेगा और बच्चे भी ना जा सकेंगे, और बच्चे उसे प्लस टू तक फ्री पढ़ाई करेंगे। बिजनेस वीजा, अगर तुम्हारे को 5 साल का बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है, जो 5 साल एज ए मैनेजर एक्सपीरियंस है, तो जैसे थोड़े को 1 लाख Canadian dollar है, तो जो कनेडा जाकर बिजनेस कर सको, तो बहुत ही सौखे ढंग के नाल बिजनेस वीजा की कैटेगरी अपनी फाइल लगा सकते हो। केयर गिवर, अगर तुम्हारे कोई मंजूरशुदा 1 साल का सर्टिफिकेट है, तो एज ए केयर गिवर भी कनेडा जा सकते हो। इस तरह अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन्हें अप्लाई करके बहुत ही सौखे ढंग कनेडा जाके सैटल हो सकते हो। कनेडा की जो धरती है बिल्कुल साफ सुथरी है, उसे शांत माहौल है, किसी तरह की कोई करप्शन नहीं, सब कुछ सेफ है, उसे बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री मिलती हैं, प्लस टू करने की पढ़ाई बच्चे बिल्कुल फ्री है, कोई भी बेरोजगारी नहीं है, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है। अगर तुम जाओगे रेटिंग नंबर जाओगे तो वधिया ढंग से जाके सैट हो सकते हो। बट ये तुम्हें मैं ये नोट करना चाहनी हाँ कि अगर तुम फाइल किसी को भी लगवाओ किसी भी एजेंट को, बट अपनी एप्लीकेशन की जो प्रिंटेड कॉपी है विद कोड अपने को संभाल के रखो, अगर तुम ये अपना संभाल के नहीं रखते तो दोबारा अपना वीज़ा नहीं लगवा सकते, कृपा करके कोई भी जाली सर्टिफिकेट रखने की कोशिश ना करो।
क्योंकि अगर थोड़ा एक वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा वीज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम होर भी किस तरह की जानकारी चाहते हो तो तुम साढ़े ऑफिस में आकर सलाह मशवरा कर सकते हो और सलाह ले सकते हो। इस तरह अगर तुम होर कोई जानकारी चाहते हो तो कनेडा की ऑफिशियल वैबसाइट www.cic.gc.ca पर सर्च कर सकते हो। दोस्तों इस तरह तुम कनेडा बहुत सौखे ढंग जा सकते हो, बस वह तरीका सही होना चाहिए। इस तरह अगर तुम्हें वीडियो वधिया लगी होए तो साढ़े यूट्यूब चैनल में सबसक्राइब करो और वीडियो में वो तो लाइक करो। बधेरे जानकारी 98 152 011 48 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।